में मैं बोलकिंग सिंह आप लोगों के साथ आई नजर डालते हैं खास खबरों की ओर। भीलवाड़ा में विट्ठल शंकर अवस्थी ने कहा, अटल जी हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को जिला भाजपा ने विजय संकल्प के रूप में मनाया एवं उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी ने कहा कि अटल जी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। उन्होंने कहा कि अटल जी ने अपने जीवन में हमेशा सादगी से राजनीति करते हुए अपनी विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं किया। अवस्थी ने सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए हम सभी को उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। जिला मीडिया प्रभारी विनोद जुरारी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के 95वें जन्म दिवस पर भाजपा जिला कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने अटल जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अटल जी ने देश में सुशासन व विकास की राजनीति का नया अध्याय लिखा। तेली ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को आगामी पंचायत चुनाव के लिए जुटने का आह्वान करते हुए कहा कि लोकतंत्र में पंचायत चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होकर आम जनता के बीच नींव के पत्थर के रूप में धरातल पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाएंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष तेली ने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास भी दिलाया कि कार्यकर्ता की पार्टी की जान है तथा जिले में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए हम सब मिलकर कार्य करेंगे तथा सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास जीतने का काम करेंगे। कार्यक्रम संचालन प्रहलाद त्रिपाठी ने किया। कवि राधेश्याम शर्मा ने अटल जी द्वारा रचित काव्य पाठ किया। कार्यक्रम में जिला महामंत्री राजासाद वैष्णव, प्रशांत मेवाड़ा, जिला उपाध्यक्ष शिवलाल डीडवानिया, जिला मंत्री अशोक सिसोदिया, कैलाश जीनगर, मधु शर्मा, नंदलाल गुजर सहित कई लोग उपस्थित रहे। चौटन में टिड्डी दल से परेशान किसानों की समस्याओं और फसलों का निरीक्षण किया गया। चौटन विधानसभा क्षेत्र के सेडवा उपखंड मुख्यालय के दर्जनों गाँव में पिछले कई दिनों से टिड्डी दल ने दावा बोल रखा था और जिससे किसानों की लाखों रबी की फसलों को नष्ट कर दिया था, जिस पर प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं देने की बात को लेकर किसानों ने तहसील व जिला स्तर पर धरने देकर कई बार ज्ञापन सौंपा। इसको लेकर चौटन विधायक पद्माराम मेघवाल ने मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग कर टिड्डी दल से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की, जिसको लेकर बुधवार को चौटन विधायक पद्माराम मेघवाल, बाड़मेर जिला कलेक्टर अंशदीप, पूर्व राज्य मंत्री गफूर अहमद, चौटन उपखंड अधिकारी विरमाराम चौधरी, तहसीलदार शंकरलाल धारीवाल सहित कई अधिकारियों एवं नेताओं ने क्षेत्र के कई सीमावर्ती गांवों का दौरा कर टिड्डी दल से खराब हुई फसलों का निरीक्षण किया। भीलवाड़ा में क्रिश्चियन समाज ने मनाया क्रिसमस का पर्व बड़े धूमधाम से। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियों के साथ आज शहर के सभी 12 चर्चों में क्रिश्चियन समाज द्वारा विशेष प्रार्थनाओं के साथ बड़ी धूमधाम से क्रिश्चियन का आयोजन हुआ। क्रिश्चियन सेवा समिति के अध्यक्ष गुडविन मसीह ने बताया कि प्रभु यीशु के जन्म क्रिसमस के अवसर पर शहर के सभी चर्चों में प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक प्रार्थना सभाएं हुई, जिसमें संडे स्कूल व चर्च सदस्यों द्वारा लघु टिकाएं व भजनों की प्रस्तुति देकर खुशियों को मनाया। वह सभी चर्चों में चर्च फादर द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बाइबल का संदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक उद्धारकर्ता के रूप में हुआ, जिसने हमारे पापों की खातिर दुख उठाए ताकि हम बचाए जाएं। सभी चर्चों में चर्च समाप्ति के बाद चर्च सदस्य द्वारा एक दूसरे को गले मिलकर क्रिसमस की बधाइयां दी व केक खिलाकर सबका मुंह मीठा कराया गया। वह घरों घरों में जाकर एक दूसरे को बधाई भी दी गई। यह 1 जनवरी नव वर्ष तक चलेगा। आज क्रिसमस के पर्व पर मेथेस्टिक चर्च में भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार महावर अपने परिवार के साथ क्रिश्चियन परिवारों के क्रिसमस की बधाई देने आए। आज पुलिस अधीक्षक की पत्नी का जन्मदिन भी होने से उन्होंने सहपरिवार चर्च में कैंडल जलाकर प्रार्थनाएं की। साथ ही दोनों पुत्र के साथ सहपरिवार प्रार्थना सभा में बने रहे। वह प्रार्थना सभा समाप्त पर सभी को हाथ मिलाकर क्रिसमस की बधाइयां दी। इस अवसर पर अरविंद मैसी, थॉमस जॉन, थॉमस वर्गेस, शैलेंद्र सिंह, राजू लुकुस, रेजी मैथ्यू, सुनील जॉन, दीपक इंडवर की उपस्थिति चर्च में रही। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।